फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, अब तुम्हें तुम्हारी मॉम से बहुत डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयूर है, कैसे हैं? तो आज बहुत विशेष गिफ्ट बहुत विशेष किस बहुत विशेष गिफ्ट आई हुई हैं। तो सोनल जी, तो ड्राइवर वॉइस। सो गाइस, मैं हूँ सोनल कौशल एंड आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट एंड द वॉइस बिहाइंड डोरेमोन, पिकाचू, छोटा भीम, बबल्स इन द पावरपफ गर्ल्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर। हाँ, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मैं पहले से सोनल जी का वो जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, देख रही थी और अभी मुंबई में हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब हिम्मत लेकर सोनल जी को पूछा था कि मतलब वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। और मैंने बहुत खुशी से हाँ बोल दिया था बिकॉज आप इतने प्यारे हो और आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। द सारी इज ब्यूटीफुल, नॉट माय फेस। नो। आज हम करने जा रहे हैं एक सोनल जी के एनिमे कैरेक्टर वॉइस के इमिटेशन में करने जा रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है, आप सुन सकते हैं सोनल जी की कैरेक्टर वॉइस और फिर उसी वॉइस को मैं इमिटेट करने की कोशिश करेंगी। वो चैलेंज है, ये मेरे लिए चैलेंज होगा और दूसरा ये सोनल जी के लिए चैलेंज है कि मैं उनको क्वेश्चंस पूछूंगी कि कितने जापानीज आते हैं। मुझे जापानी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। नहीं नहीं, लेकिन आपने तो ड्राइवन बहुत सारे दाम किए हुए हैं और शायद कुछ ना कुछ जापानीज तो जानती होगी, थोड़ी बहुत, इसलिए उसको टेस्ट करती हूँ, परीक्षा देती हूँ। ठीक है। और तीसरा, मैं सोनल जी से डबिंग के बारे में, डबिंग करियर के बारे में और एनिमे से संबंधित कुछ सवाल, हाँ ऐसे गपशप करने जा रही हूँ। ठीक है, ये तो शुरू करें। सबसे पहला वॉइस इमिटेशन चैलेंज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सबसे प्रसिद्ध वाले से शुरू करते हैं, डोरेमोन की वॉइस। ओके, तो इंडिया में डोरेमोन बोलते हैं हम, जापानीज में डोरेमोन बोलते हैं एंड डोरेमोन की वॉइस है, ओहो नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया, अब तुम्हें तुम्हारी मॉम से बहुत डांट पड़ेगी और मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा। अरे वाह, मैंने काफी लंबा डायलॉग दे दिया ना आपको। हाँ, थोड़ा छोटा वाला दे। सो बेबी यू कैन से, अब मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं दूंगा नोबिता। गैजेट? 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 मैंने सुना कैरेट गैजेट। तो गैजेट जापानीज में क्या बोलते हैं गैजेट्स को, वो जो डोरेमोन निकालता है? हाँ, उसको गैजेट गैजेट ही बोलते हैं, लेकिन okay. बोलने का तरीका अलग है, गैजेट तो ऐसे बोलते हैं ना। ओके, ये थोड़ा गाजर सुना मैं। नहीं, गाजर नहीं देगा डोरेमोन, गैजेट देगा। ठीक है, तो फिर से बोलिए, मैं कोशिश करूंगी। अब मैं तुम्हें अपना कोई गैजेट नहीं दूंगा नोबिता। अब मैं आपको कोई गैजेट नहीं दूंगी नोबिता। दूंगा नहीं, लड़की दूंगा। लड़की बना दी मैंने, जेंडर ही चेंज कर दिया। But it was very close. It was very cute, I must say. आप पता चला, बॉयस एक्टर बहुत मुश्किल होता है बंदा। But मैंने डोरेमोन को 14-15 years तक अपनी आवाज दी है, तो इसलिए मुझे अब उतना difficult नहीं लगता है। Next voice है Pikachu. Pikachu. Yes. तो Pikachu ऐसे बोलता है, Pika Pika Pi Pikachu. ओके, हिंदी नहीं है तो थोड़ा आसान है मेरे लिए। ओके, कोशिश करके, पिकाचू। गुड ट्राई यार, वेरी नाइस। सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट, यू आर डूइंग वेरी गुड, थैंक यू। ओके, बाय द वे आई डिड दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज विद माय हस्बैंड आल्सो। ओके, एंड ही आल्सो डिड वेरी नाइस। इट्स शैल वी कॉल हिम हियर? He's saying no. Okay. But we have a channel, another channel called The Motor Mouth Couple. Usme bhi humne aisa imitation challenge kiya tha and it was so much fun and I'm having so much fun with you also. So are you ready for the next voice? Yes, the next voice is? The next voice is, can you guess? It's Chihiro from Spirited Away. I love that character. Spirited Away is my favorite, one of my favorite animation. Okay. So ready? Yes. Oh, अब मैं क्या करूं? मुझे अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। हाँ,
नाइस डायलॉग। फिर से बता सकते हैं? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं अपनी मम्मी पापा को बचाने के लिए, अपने अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मैं क्या करूं? ओके, अब मैं क्या करूं, अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मैं क्या करूं? वेरी गुड यार, आपके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने क्यूट लग रहे हैं। आई मस्ट से व्हेन यू स्पीक हिंदी यू लुक रियली क्यूट। थैंक यू, बट दिस इज अ डिफिकल्ट चैलेंज। ओके, सो लास्ट वन? यस, द लास्ट वन इज अनदर वेरी पॉपुलर कैरेक्टर जो मैं करती हूँ, एंड इट्स कॉल्ड छोटा भीम। यू नो छोटा भीम? ऑफ कोर्स, जापानीज में, जापानीज में नहीं है, नहीं नेटफ्लिक्स में तो अवेलेबल हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हाँ, बट इट्स एन इंडियन एनिमेशन। यस यस, एंड छोटा भीम ऐसे बोलता है, हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। अरे क्या अलग वॉइस निकाली है उन्होंने। यू कैन ट्राई, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं कहाँ से आया? मैं छोटा भीम, मैं हूँ छोटा भीम, मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से आया हूँ, और मैं ढोलकपुर से आया हूँ, और मैं आपको लड्डू दूंगा, और मैं आपको लड्डू दूंगा। आपने लड्डू खाया कभी? ऑफ कोर्स, बट आई मस्ट से कि आपने ये चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, एंड मेरी तरफ से आपको एक ग्रीन फ्लैग जाता है दैट यू हैव कंप्लीटेड द चैलेंज वेरी नाइसली। थैंक यू। अब आपकी बारी है कि मैं आपको चैलेंज दूंगी। ओह माय गॉड, तो देखने वालों को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बेसिक जापानीज भाषा चैलेंज टेस्ट करती हूँ। ओके, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे जापानीज कार्टून्स को डब किया है, बहुत सारे जापानीज शोज को डब किया है, लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे स्पेशली डोरेमोन के लिए मैंने 14-15 ईयर्स डब किया, तो कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो वर्ड्स तो मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स मुझे नहीं पता। ठीक है, आसान वाला और मुश्किल वाला दोनों दूंगी, ठीक है? तो आसान वाले से शुरू करूंगी। ओके, हाउ टू से थैंक यू इन जापानीज? ओह, आई नो दिस। आई थिंक जब भी डोरेमोन और नोबिता अपने टीचर को थैंक यू बोलते थे, तो वो बोलते थे अरिगातो गोजाइमास। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अरिगातो गोजाइमास। वो पोलाइट वाला है, अरिगातो भी चढ़ता है, अरिगातो गोजाइमास लगाएं तो थोड़ा एल्डर, हाँ, पोलाइट हो जाता है। ठीक है, अब हाउ टू से something before eating, तो खाना खाने से पहले क्या बोलते हैं? ये खाना खाने से पहले हमेशा टेबल पे बैठ के बोलते थे, चलो खाना शुरू करते हैं, something like that। हाँ, हिंदी में मुझे नहीं लगता कि मतलब equivalent words are not available, इसलिए खाना शुरू करते हैं ऐसे बोलते होंगे, लेकिन जापानीज भाषा में वो जो specific एक शब्द होता है, हाँ, I know it, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। ई ता तो ऐसा नॉर्मली भी आप लोग जब घर पे खाना खाने बैठते हैं तो आप ऐसा बोलते हो? हाँ, हमेशा बोलते हो, एंड घर में घुसने के टाइम पे भी बोलते ना, तदाइमास। That was my second question. आपने सही बताया। I want it already. और दो देती हूँ। जब वापस आते समय तो आपने बोल दिया ना, अभी क्या बोलते हैं जब आप घर से निकलने जा रहे हैं? I think ये नहीं पता मुझे। नहीं, ये नहीं पता। तो प्रैक्टिस करते हैं। इत्तेकिमास। इत्तेकिमास। इत्तेकिमास बोलते हैं। इत्तेकिमास। ठीक है। तो आखिर बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं पूछूंगी। महत्वपूर्ण, वाह। तो माफ कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? गोमेन। हाँ, गोमेन, हाँ सही बोला। गोमेन नसाई ज्यादा पोलाइट होता है। ओके, मैंने मैक्सिमम डोरेमोन को बोलते सुना है, गोमेन नोबिता कुन। लाइटली बोल देते हैं ना, गोमेन। हाँ, एंड देन डोरेमोन बोलता है, मुझे माफ करना नोबिता। सही बात, सही बात। जैसे कि हम लेट्स से किसी से मिलने जा रहे हैं और 5 मिनट देर हो गए, तो तब तो हाँ, घूमें घूमें 5 मिनट देर हो गए, चलता है, चलता है, चलता है, लेकिन सच में माफ़ी मांगना है तो घूमें नसाई ऐसे बोलना पड़ता है। लेकिन आपने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। तो हम थोड़ा सा
बातचीत करते हैं, तो आपने मैं ये पूछना चाहती थी कि कहाँ से आपकी डबिंग की करियर शुरू हो गई, क्योंकि मैं जापानीज हूँ तो बचपन से एनिमे देखती रहती हूँ, लेकिन ऐसा सोच कभी नहीं आया कि चलो मैं वॉइस एक्टर बनूंगी ऐसे। एक्चुअली मैं मायो मैं बहुत छोटी थी, हाँ, एंड मैं इतनी छोटी थी कि मेरी वो ऐसा कुछ सोचने की एज भी नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है। एंड ये ऐसा एक फील्ड है दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट ऑल्सो, अब पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से, उस टाइम पे नहीं था। बट माई मदर यूज टू वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो, एंड दैट इज़ हाउ आई केम इन टू दिस फील्ड। एंड डबिंग की जो मेरी शुरुआत हुई है वो ये जो यहाँ पे क्यूट से महाशय बैठे हैं इन्होंने ही करवाई है। सो माई फर्स्ट ऑडिशन फॉर डबिंग वॉज फॉर डोरेमोन एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड मैंने शिनचान में भी नैनी को आवाज़ दी है कुछ एक दो सीजन के लिए, एंड मैंने स्पिरिटेड अवे में चिहिरो को आवाज़ दी है। देन मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन में मैंने बहुत सारे फीमेल पोकेमॉन जो होते हैं उनको अपनी आवाज़ दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी मैंने अपनी आवाज़ दी, जैसे एमी जैक्सन को, तो ये सब मैंने किया है। अभी रिसेंटली मैं नागपुर में थी, आई थिंक टू ईयर्स अगो, एंड मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, एनिमे इवेंट था वो, एंड वहाँ पर मुझे जापान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ऑल्सो मैंने वहाँ पर आप लोगों की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है किमोनो, वो भी मैंने पहना था। उसका ब्लॉग भी है मेरे चैनल पर, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस फील्ड में मैं हूँ और सब लोग जितना प्यार करते हैं, जितना प्यार मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ वॉइस एक्टर। नाइस। तो वॉइस एक्टर तो किसी कैरेक्टर को जान दे सकती हैं, तो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। तो अगर आप कोई कैरेक्टर या कोई मतलब इंसान चुन सकती है कि इसको मैं आवाज़ से जान देना चाहती हूँ ऐसे, तो कोई है जो आप वॉइस देना चाहती हैं? हाँ, एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मैं बारबी बहुत ज़्यादा देखती थी। बारबी आपको पता है? बारबी डॉल करके एक कार्टून आया। बारबी, बारबी, ठीक है। सो मैंने, लेकिन जब मैं बॉम्बे आ गई, मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, तो मुंबई आने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द वॉइस ऑफ बारबी ऑल्सो। अच्छा। तो वो मेरा एक जो चेकलिस्ट होता है उसमें वो एक पॉइंट टिक हो गया था। लेकिन आई रियली वॉन्ट टू वॉइस फॉर अ प्रिंसेस। चलो, तो आज बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, और हमने और एक वीडियो बनाया है जो सोनल जी के चैनल में अपलोड होने वाला है या क्या हुआ होगा, तो वो भी आप जरूर देखिए। वहाँ पे कुछ हमने गाना गाया, मतलब मैं कभी गाना गाती नहीं हूँ, ठीक है, YouTube पे आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है आई एम अ बैड सिंगर, लेकिन मैंने कोशिश की है, तो वो भी देखो। और हमारे पास ऑफकोर्स YouTube है, Instagram है, ये सब कुछ ना कृपा करके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। अरे यार, मैं इंडिया में अभी मुंबई में हूँ ना, तो सुबह से शाम तक हिंदी बोलती रहती हूँ, तो दिमाग खराब हो जाता है। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं ना गाइस। थैंक यू। चलो एनीवे, तो आज हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने के लिए धन्यवाद। अरिगातो। अरिगातो। और फिर मिलेंगे, बाय बाय।